मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज जो आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने वाले हो, आज ये फर्स्ट टाइम देखने वाले हो, तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस पूरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा उसके बारे में डिटेल जानकारी मिस ना हो जाए। तो ये है सर कि ये जो हमने मशीन बनाया हाँ एक ग्रो होती है लिए बनाया। अच्छा, इतना आसानी से प्रोडक्ट बन जाता है, आसानी से प्रोडक्ट आप अपना रोजी रोटी 15-20 हज़ार या 25,000-50,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हो। तो सर जरा भी बताइए इसका डेमो कि कैसे हम लोग इससे कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, प्रॉफिट कितना होगा, कितना कमा सकता हूँ मैं, वो सारा डिटेल अभी हमें समझाइए। हाँ, तो आजकल सभी घर में फैन तो चलता रहता है सब, तो इतना मार्केट इतना ज़्यादा है तो बिगड़ेगा तो सही, तो कैसे आप ये रिपेयर करके उसको बेच सकते हो, कैसा कितना पैसा कमा सकते हो, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो ये पुराना पंखा है, ओके, इसमें सब कुछ नया करने का है। मेरे पास ये ग्राहक लेके आया है, तो हम इसको खोल के कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे इसको नया बनाते हैं और कैसे इसको देते हैं, ये पूरा का पूरा सारा आसानी हमारे मशीन में सब कुछ हो सकता है। अब चलो इसको करते हैं, कर लेंगे का। ये देखो ये जला हुआ फैन है पूरा, ये पूरा का पूरा जला हुआ है। राइट, अभी ये सारा नया करने का है। ओके ओके, अब इसको निकाल लें। दो तरह का इसमें वाइंडिंग आता है, पहले आता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ओके, और दूसरा आता है रनिंग वाइंडिंग। अभी इसको नया करने का है, ये जो पुराना है ना वो सब निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने बाहर का निकाला है तो उसी तरह है, उसी टाइप के, उसी अंदाज से अंदर का भी निकाल लेंगे, वाइंडिंग निकाल लेने का इसी तरह से। ये हमारा मुनाफा, ओके, मतलब नफा, इसको बेचने जाएंगे ना तो कम से कम इतने का 50 रुपया जरूर रहेगा। अच्छा, 50 से 60 रुपया, ओके, जरूर रहेगा। ये भंगार में जाता है, ये भंगार में जाता है। ठीक, आप 4 पंखा 5 पंखा का जितना भंगार निकालोगे तो दिन में 1 किलो या 1.5 किलो वो तो निकल सकता है ना, रोज का 1 किलो निकलेगा तो भी 550 रुपया काम का हो जाएगा ना। राइट, तो आज का जन्म में 550 रुपये कमाना भाई बड़ी बात आसान बात नहीं और बड़ी बात भी नहीं है। ओके, कहीं भी अंदर पेपर या कुछ रह ना जाए वो सब साफ कर देंगे। ये जितनी झाड़ाई है ना उतना सभी पेपर बाजार में एकदम से तैयार मिलता है, करके यूं हो गया, यूं करके ऐसे डालते जाना, ऐसा सब में डाल दो। वाइंड करने का है, ऐसे रखने का, इसको यूं करने का, हो गया। ओके, ये वॉल इसके सामने ये वाला डाई आना चाहिए। ओके, बैठ गया। ओके, अभी हमको जिस पंखे को वाइंडिंग करने का है उसका ये पूरा डाई सेट हो गया है। ओके, अब इसको चालू करने का है। हाँ, वायर डाल के अब इसमें वायर डालेंगे। ये हमारा रॉ मटेरियल कॉपर वायर है, इसको करके बाहर खींच लेने का, यहाँ से इसे इसे और यहाँ से इसे अंदर जाएगा, अंदर सीधा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इसमें 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 और सीधा इसमें हो जाएगा। अब वाइंडिंग चालू करेंगे, अब इसमें अंदर में हमें 330 टन्स डालने का है। ओके, यहाँ तक आया है ना, हाँ, ये पूरा झाड़ा हुआ है। हाँ, अभी इसको यहाँ से ऐसा लेने का। हाँ, हो गया। हाँ, अभी इसको चालू करेंगे, ये पूरा रिसाप 0-0 हो गया। हाँ, इसको घुमाएंगे, ये वाइंडिंग स्टार्ट हो गया। ओके ओके ओके,
इसको यूं करके यूं बाहर खींच लेने का, फिर इसको यूं टाइट कर देना, ठीक है। हाँ, अभी वापस दूसरा स्लॉट अनलॉक करें, दूसरी कॉइल बनाएंगे। अभी हमारा ये दूसरा कॉइल भी पूरा हो गया। ओके, अभी ऐसा करके करके ये पूरा का पूरा भर देने का है। ओके, नीचे वाला ठीक है। सर अभी आपने जो भी जो सेटिंग वगैरह करी, हाँ, उसकी ट्रेनिंग हमें पूरी मिलेगी क्या? हाँ, पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। पूरा का पूरा अंदर का हो गया है। जैसा कि हमने निचला वाइंडिंग पूरा किया, अब हम ऊपर का वाइंडिंग बनाएंगे। ठीक, जैसे हमने नीचे पेपर बिठाया था उसी तरह से ऊपर पेपर बिठा दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने अंदर का और बाहर का दोनों वाइंडिंग पूरा कर दिया है। ये दो जरा निकाल दिया। ये वाइंडिंग सही है या गलत, अब इसको हम चेक करते हैं। ये हमारा चालू है, सही वाइंडिंग हो गया। ओके, ये कंप्लीट चालू हो गया। पहले हम कोई आसानी से कर सकता है, जिसे टेक्निकल नॉलेज ना वो भी कर सकता है। हाँ, वो भी कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमने आपको सब कुछ सही तरीके से कैसे वाइंड करना है, कैसे कनेक्शन निकालने का है, वो भी बता दिया है आपको। जो ये वायर है वैसे सोल्डर करके जॉइंट करने का है। अच्छा, दो नीचे के वाइंडिंग के, हाँ, ऊपर के वाइंडिंग के। हाँ, ओके। इसमें अगर मैग्नेट होएगा तो पंखा चालू होएगा। देखो, हाँ, चिपक गया। चिपक गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स चालू है। हो गया। ले लीजिएगा सर, मिला के बॉडी टाइट कर देना। बॉडी टाइट कर देने का, वापस इसको ऐसे यूं करके कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर है। हाँ, ये कैपेसिटर। और हम ये चालू करते हैं। देखो, ये हमारा पंखा तैयार हो गया है। अब हम इसको चालू करके देखते हैं, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे, देखो हो गया। ओके, हो गया रेट। अभी ये हमारा पंखा पूरा हो गया है। अभी आप ये पंखा कस्टमर को दे सकते हैं, वो ब्लेड ब्लेड लगा के सब कुछ किराने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सर अभी हम लोगों ने देखा कि जो फ़ैन रिपेयरिंग का जो काम है वो कितना आसानी से आपके मशीन से हो जाता है। बट जब अब मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ तो इसमें जो सामने वाला कस्टमर मेरे पास ख़राब फ़ैन लेके आएगा, हाँ, तो उसमें मेरा खर्चा कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, मैं कितना कमा सकता हूँ, वो ज़रा डिटेल में समझाइए। ये पुराना वाला पंखा नया करके दोस्तों तो 200 रुपया तो तक मिल ही जाएगा। अच्छा, ये खाली ये करके दोगे इलेक्ट्रिक 100 रुपया तो इसमें से ही मिलेगा। तो इसमें से जो ये सब पुराना वाला निकलेगा वो आपका भंगार मेरा होगा। भंगार मेरा। तो जो पुराना वाला निकलेगा वो कितने तक बिकता है मार्केट? पुराना वाला निकलेगा ना, इसका किलो का है ना 550-600 रुपया किलो का। ओ भाव, मतलब आप 5 कर सकता है, 10 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, जितना भी करो। अखा, ये पुराना पंखा, ये खाली स्टेटर, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरे को आज पूरा 1000 रुपये का नोट मिलना ही चाहिए। आप अपने, मैं अपने घर में रहे तो मेरे घर में तो 5 पंखे तो चलता है, तो एक तो बिड़ेगा ना, राइट? तो पूरा राजकोट, पूरा भारत, तो लाखों करोड़ों की संख्या में पंखे चल रहे हैं ना, तो बिगड़ेगा तो सही, राइट? तो मार्केट बहुत बड़ा है। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है कि आप अपना मार्केट इतना जितना बड़ा उतना बढ़ सकता है। वही मार्केटिंग कैसे करनी है वो जरा समझ। कोई इलेक्ट्रिक की दुकान या कोई ऐसा हॉस्टल बड़ा बड़ा, कोई ऐसा बिल्डिंग बड़ा बड़ा, वहाँ का वॉचमैन है या स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, right. आप उसको जाके बोलो कि साहब मैं काम करता हूँ आपके स्कूल में, कहीं अपार्टमेंट में कोई इतना पंखा बिगड़ा है, हाँ, तो मैं आऊँगा और पंखा निकाल के
ले जाऊंगा, रिपेयर करके डाल दूंगा, मेरा मजूरी भी लगेगा। जैसे मेन रॉ मटेरियल कॉपर वायर है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये बाजार में बहुत सारी दुकान है। अच्छा, आसानी से मिल जाता है? आसानी से सब जगह पे मिलता है। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, रॉ मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा, वो जरा समझाइए। अब देखो, रॉ मटेरियल की ये बात है कि ये रॉ मटेरियल है ना, तो बाहर गई दुकान पे मिलता है। अब ये मशीन की बात करता हूँ ना, तो इसका 40,000 रुपया प्लस GST और ट्रांसपोर्टिंग खर्चा वो लगा के सब मिला के। अच्छा, ये पूरा, ये टेबल, ये पूरा मॉडल? हाँ, पूरा मॉडल आज। और इससे कोई कम इन्वेस्टमेंट? छोटा है मशीन, वो थोड़ा कम, मतलब 30,000। अच्छा, 30,000 प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट, प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट जो भी हो खर्चा। तो अगर कोई मशीन लेकर फैन रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ है, नंबर है, तो आप कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।